हाँ भाई, क्या चल रहा? देखा कल इतने सारे कमेंट्स, भाई गॉड, पढ़े ही नहीं गए मुझसे। इतने सारे लाइक, इतने सारे व्यूज, भाई सब ताज्जुब में आ गया। मैं सोचा भाई क्या बेस्ट आइडिया है, टिंडर डेट, टिंडर स्कैम एक्सप्लेन करेंगे, तुम्हारा फायदा होगा, नॉलेजेबल, ज्ञान की बातें, ज्ञानी पर हम ज्ञान की बातें करेंगे। बंदे बोले भाई हमारे पास बंदी ही नहीं, और ये टिंडर क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, और जब बंदी ही नहीं तो प्लेटफॉर्म पे हम जाते ही नहीं, तो स्कैम किस बात का? क्लब छोड़ो, हम टपड़ी पे चाय पीने वाले हैं, कोई स्कैम नहीं हो सकता। 2 रुपए वाली चाय लेके आओ, 4 लोग पियेंगे। अबे गजब बेइज्जती है। हाँ तो कल प्रवीण भाई का कॉल करो, मैं कमेंट आया, कहते हैं ज्ञानी भाई 90s की वीडियो बनाओ। मैं कहा 90s की वीडियो बनाऊं क्या? कितनी तो बना रखी है, 90s सीरीज अपने पास पूरा। और मैं गया देखने के लिए, 90s के बारे में अब क्या बात कर सकते हैं जो मैंने पास्ट में ना की हूँ। अगर तुम्हें देखने तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 90s शो करके कुछ बनाया है मैंने प्लेलिस्ट में। तो मैं गया, मैं कहा सारी चीजें करी है, म्यूजिक करा है, मूवीज करा है, सीरियल करा है, एड्स करे है, सब करा हुआ है, तो उसमें नया मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर मेरे को एहसास हुआ एक चीज का जो तुम्हें अंकल बना देगा, जैसा उस सेजल ने कहा था ना मुझे नॉस्टैल्जिक अंकल, आज तुम्हें भी फील हो जाएगा अगर तुम 2000 में पैदा हुए हो तो। 2000 में पैदा हुए तो तुम यंग ही हो, बट अगर उससे पहले पैदा हुए हो तो तुम नॉस्टैल्जिक अंकल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे एक पल के लिए, अभी जितने भी ये शोज हैं या टीवी सीरियल हैं जिनको हम 90s का नाम देते हैं, चाहे वो एक सीरियल था देख भाई देख, इस रंग बदलती दुनिया में, वो 1993 का सीरियल है, बट मैंने देखा है उसे 1999 में, क्योंकि तभी थोड़ा टीवी आना शुरू हुआ, या 2000 के बाद जब वो स्टार पे आने लग गया था, वरना दूरदर्शन का शो है वो। बात तो सही है। एक चीज मैंने नोटिस करी कि साला अपने को एहसास भी नहीं होता, तुम समझ रहे हो, जो 2000 में पैदा हुआ वो साला 24 साल का होगा, गबरू जवान, समझ रहे हो, टेस्टोस्टेरोन भाग रहे होंगे उसके, अरे अरे बंदी दे दो बंदी, गोरिल्ला बन के नाच रहा होगा वो। मैं कहा इसको 90s के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि इसका 90s और हमारा 90s दोनों अलग है। इसका जो था ना जमाना, वो हमारा ही जमाना है, हमारे ही टाइम के, मतलब अभी 2000 के बाद जो पैदा हुए उन्होंने क्या देखा होगा? शरारत इन्होंने भी देखा है, ये 2000 में जो पैदा हुए वो भी ये देख के आए हैं, करिश्मा का करिश्मा देख के आए हैं, ये करिश्मा का करिश्मा देख के आए हैं, हम स्मॉल वंडर्स भी देख के आए हैं। अब मैं बोलूं सोनबरी, शरारत, शकालका बूम बूम, ये 2000 वालों ने भी देखा है। साले लोग बोलते हैं 90s का जो एरा है ना वो सबसे बेस्ट जनरेशन है, क्योंकि उसने दोनों जनरेशन देखी है, कि बिना टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी का। मैं कहा एक मिनट, ये जो 2000s की जो जनरेशन हैं ये हमसे भी ज़्यादा लकी हैं, ये सब देखते हुए आ रहे हैं। अभी को कितने लोग होंगे जिन्होंने ओ मेरी महबूबा नहीं सुना होगा, साले हमारे ज़माने से पहले का गाना है, हम आज भी सुन रहे हैं ये सोच के कि वाह क्या गाना है। साला अभी सोचोगे तो हम भी पैदा नहीं हुए थे उस टाइम पे, ये आज भी सुन रहे हैं वो। साला मेरा पहला फोन आया 2008 में, इनके टाइम में टच पैड, इनको तो कीपैड पता नहीं होगा, कोटी कीपैड का जमाना तक, तब तो ये भी स्कूल में ही रहे होंगे, देखा तो इन्होंने भी होगा, इनको क्या बताऊं मैं, इनका तो हमसे ज्यादा बेटर जमाना रहा है। ये आने वाले 10 साल के बाद जब बात करेंगे ना अपने टाइम की, ये वैसे ही काउंट करेंगे जैसे हम 90s को काउंट करते हैं, कि भाई तुम्हारे टाइम में कोई मूवीज आती है, मतलब कौन सी मूवीज आती है, काल की एडी, वो जोकर प्रभास, टाइम होता था 2000 सालों का, हमारे टाइम में कौन सी मूवी आई, लगान, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, हमारे टाइम में कौन सी मूवी आई, रहना है तेरे दिल में, सच कह रहा है दीवाना, हमारे टाइम में कौन सी मूवी आई, कभी खुशी कभी गम, करीना, पू, साली आज आलिया भट्ट को तुम जो भी पूछ रहे हैं उससे जाके पूछो उसकी अम्मा, 2000 में मचा रही थी वो। आज की जो करंट जनरेशन है वो बॉर्डर 2 के लिए एक्साइटेड हो रही है, 90s और 2000 की जनरेशन जो है बोले अबे हमने जब पूछना असली बात क्या है, हम ओची है, ओची गैंग जिंदाबाद इन द कमेंट्स, ओची बोलते ओची एक नंबर। अबे सीरियसली 2000 एक गोल्डन एरा के टाइम पे है, 90s और 20s जितना भी है, ये 90s का 2000s, दिल चाहता है 2000 में ही राज, अभी राज के रिबोट करते रहते हैं, बिपाशा बसु वाली राज देखी किसी ने, पाइप पैंट गीली हो जाती थी हमारी, अकेले बैठ के देखा नहीं गया मुझसे, अजनबी स्टाइल नायक, एक्सक्यूज मी, और कौन सी थी, अशोका, शाहरुख खान की अशोका बना हुआ था ये मेरे ख्याल से, वो कौन सी मूवी थी, अरे वो यूं ही चला चल रहा है, वो भी तो 2000 में यही है साला, कलयुग 2000 की मूवी है साला, म्यूजिक समझ रहे हो तुम,
90s का चलो हम मानते हैं कि 90s, हम 80s को 90s समझते हैं। ये 2000 में इन्होंने गोल्डन म्यूजिक दिया, हिमेश रेशमिया आपका सुरूर, तेरा तेरा था दीपिका पादुकोण को लॉन्च होते हुए देखा हमने रीमिक्स में, ना घटेरा तेरा मस्त मजा आ रहा है यार ये वीडियो में तो। नॉस्टैल्जिया अंकल एक्चुअली फील कर रहा हूँ मैं, मजा आया। अबे तेरे नाम बीच की मांग हम सब ने किया होगा कभी ना कभी। ऋतिक रोशन कहो ना प्यार है वाला सब बॉडी बिल्डर बन गए थे जिम में जाने लगे, मैं जा रहा था यार जबकि मैं था CLWL उस टाइम पे, अब तो लीडर उस टाइम था मैं। और साला म्यूजिक सीन कितना सही था बे, मतलब ये तो मूवीज के सॉन्ग थे, इंडिपेंडेंट लेवल 2000 तक में चल रहे हैं, चाहे वो पहला रियलिटी शो जाए इंडियन आइडल, पहला तो नहीं था बूगी बूगी था पहला तो, बट म्यूजिक में अभिजीत सावंत का करियर बना, डूब गया वो अलग बात है, बट अभी आपका अभिजीत सावंत जुनून भाई क्या हिट एल्बम दिया है, राहुल वैद्या दिया है उन्होंने, अरिजीत सिंह दिया है फेम गुरुकुल, फेम गुरुकुल अरिजीत सिंह भाई, स्पॉटिफाई में टाइलर स्विफ्ट की जी मार लिया, टाइलर ट्वेलर नहीं टेलर स्विफ्ट जी मार ली, साले अमेरिकन तंग है कि ये बंदा कौन है, मैं कहा टेलर स्विफ्ट को श्रेया घोषाल से मिलाओ जरा, मिलवाओ जरा, श्रेया घोषाल 90s और 2000s की क्वीन है भाई साहब, वो बचपन से मचा रही है म्यूजिक में, वो जो कर सकती है ना टेलर शिफ्ट नहीं कर सकती। साला मेरे को म्यूजिक याद आया मुसाफिर, मैं हर जब भी मैं नॉस्टैल्जिया टाइप की वीडियो करता मुसाफिर का एल्बम याद ही आता मेरे को, तेज धार मस्त म्यूजिक था, ओ साकी साकी। अभी 90s और 2000s की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज और भी थी, मैड पोगो चैनल, पोगो चैनल का ये जो बंदा था ना ये सबसे बड़ा पहला स्कैमस्टर था, इस बंदे ने आर्ट को इतना सिंपल बना के दिखाया कि हम साले CLWL जिसका दिमाग भी चलती है प्रॉपरली, हम सबको लगता था हम पिकासो हैं, हमें चाहिए वो महंगा आइटम, वो नहीं मिला तो हमारी जिंदगी अधूरी है। ये पहला था भाई, इसने जितना तड़पाया ना गरीब बच्चों को कि देखिए ऐसे बना दो ऐसे, और हम देख के खुश भी रहे, अरे बहुत सिंपल है, और जिन लोगों ने खरीदा ना तो मैं तो बना दिया इसने होतिया, इसने बनाया ये आज भी बनाता है, बट देखते बहुत कम लोग है इसको, मेरे से ज्यादा देखते हैं, चाहे 90s हो या 2000s हो। तुम्हें बर्थडे पार्टी याद है, मतलब फेस्टिवल तो होते ही थे कि दशहरे में जा रहे हैं भैया भाभी के साथ या मम्मी पापा के साथ, साला बम पटाके फट रहे रावण के साथ और जलेबियां खरीद कर घर पे आ रहे बैठ कर खा रहे मस्ती से, याद है किसी को? नॉस्टैल्जिया आ रहा ना? नहीं अबे जलेबी तो याद आती होगी यार, वो भी जमाना था, मतलब पूरे टाइम में ना तुम ऐसे रोड पे निकल जाओ कभी भी तो नॉर्मली ज्यादा भीड़ नहीं होती, बट दशहरा गढ़े में बहन क्या कौन है ये लोग, ये सब यहीं पे रहते अबे पता भी नहीं होता इतने सारे लोग रहते थे हमारे इलाके में। साला वो दिवाली के दिन जल्दी उठ गया, मतलब दिवाली का अगले दिन जल्दी उठ के छत पे जाके देखना कौन सा पटाखा बचा हुआ है, जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो देखना पतंग कट के जा कहां रही है, लूटो लूटो अपनी गरीबी का प्रदर्शन करते हुए। साला स्कूल जाने के लिए 2-5-10 रुपए मिलते थे बड़ी मुश्किल से, ये भी डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ था मेरा 2000s में। वो साला वो आता था पॉप करके आता क्या है, पॉप क्या कहते थे इसे, इसे क्या कहते थे, पॉपेंसी है पार्ले का, अबे पार्ले का 2000 के करीब में था ना वो या 90s में था, वो जो पार्ले बिस्कुट के रैपर्स इकट्ठा करके वो छोटा सा बैट मिलता था जिसमें साइन वाइन होते थे, किस किस ने किया है, मैंने तो किया है, मैंने तो किया है। हाँ मैं बर्थडे की बात करता, बर्थडे भी फेस्टिवल जैसा होता था कि साला बर्थडे पार्टी में जाओ गिफ्ट विफ्ट तो छोड़ो जो भी पेंसिल या पेंसिल बॉक्स ला के दे रहे हैं, साला भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इस फोटो को देखा मेरे को नॉस्टैल्जिया हो गया, मेरे दिल से घनाया, वो दिन भी क्या दिन थे, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, किस किस के साथ हुआ है कमेंट करके बताना मेरे को, बाकी 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत नहीं हुई तो तुम्हारी किस्मत, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो बता देना तो फिर मैं प्रॉपर बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, अभी कितने बज गए 9:10 हो चुके हैं, मुझे 10 बजे तक ये वीडियो देनी है और फिर 11 बजे तक अभिषेक आनंद पर भी देनी है, तो बता देना मुझे तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, प्रॉपरली बनाऊंगा इस बार, अभी तो मैंने ऐसी फ्लो फ्लो में निकाल दिया अपना नॉस्टैल्जिया अंकल। तो लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा आज का एपिसोड, लाइक कर देना अगर एंजॉय किया, मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।